नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, बिहार एस्टेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। ये देख सकते हैं कि बिहार एस्टेट के रिजल्ट के बारे में अपडेट है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो रिजल्ट आपको शो करेगा। और ये जो रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं, ये रिजल्ट किसका है? ये जो 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट आने वाला था, उर्दू, यहाँ देखिएगा उर्दू यहाँ लिखा हुआ है, उर्दू, संस्कृत और साइंस का रिजल्ट रिलीज किया गया आज के डेट में। और यहाँ पे और अगर आप देखेंगे तो क्वालिफाइड स्टूडेंट के बारे में भी बताया गया कि कौन से स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट में क्वालिफाइड किए हैं, ये चीज़ भी बताया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिए। रिजल्ट का लिंक आप लोग को मिल जाएगा बिहार BSEBSET2019.in पे। ठीक है, और यहाँ पे आप जब जाएंगे संजय कुमार के ऑफिशियल वेबसाइट, ये संजय कुमार के ऑफिशियल ट्वीट को खोलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको डिटेल में भी बताया गया कि कौन से सब्जेक्ट में कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने बच्चे अब्सेंट थे, कितने सीट थे, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ मेरिट लिस्ट में, और कितने सीट वैकेंट में रह गए उसके बारे में बताया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनका सिलेक्शन, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा अप्लाइड कैंडिडेट कितने हैं उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिएगा सेलेक्टेड कैंडिडेट, यहाँ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इतने थे और सीट जो थे 1000, 1000 में से केवल 8000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ उर्दू में। संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो 1055 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, नहीं 1055 सीट थे और 862 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। साइंस में अगर देखें तो 5055 सीट थे और 4383 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। 672 सीट यहाँ वैकेंट है, अभी भी 1000 सीट यहाँ वैकेंट हो गए। ठीक है, तो जितने सीट थे उससे कम बच्चे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं इन तीनों सब्जेक्ट में। आगे अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे डिटेल जो पहले रिजल्ट दिया हुआ था उसके बारे में बताया गया है कि जो पहले रिजल्ट आया था उसमें क्या हुआ था। देखिएगा यहाँ पे हिंदी में देखिएगा, हिंदी 0 देखिएगा कहाँ कहाँ पे, तो जूलॉजी में 0 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 0 सीट वैकेंट है, मतलब जितने बच्चे थे उतने बच्चों का सिलेक्शन हो गया। कंप्यूटर में 0 सीट वैकेंट है और सेलेक्टेड कैंडिडेट इन मेरिट कितने हैं 1673, मतलब इसका मतलब क्या बताया जा रहा है कि 1673 सीट थे और केवल 1673 बच्चों का ही सिलेक्शन यहाँ पे किया गया है। ठीक है ना, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे सीट से ज़्यादा एक भी बच्चों का यहाँ सिलेक्शन नहीं किया गया। तो इस पर डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा, इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा खबर सामने आ रहा है कि आप लोग का सिलेक्शन जो है वो फाइनल हो चुका है, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आया हुआ है। बिहार ने ट्विटर है, संजय कुमार के ऑफिशियल ट्विटर पर आया हुआ है ये चीज़। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल 100% सच है। मतलब अगर आपका सिलेक्शन हो गया है मेरिट लिस्ट में, अगर आप आ चुके हैं तो आपका जॉब 100% फिक्स है। ठीक है, अब आप लोगों को पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने ज्वाइनिंग का वेट करना चाहिए। और आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कीजिएगा। बहुत ही अच्छा खबर है आप लोग के लिए। तो अब आप लोग को जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है अभी जल्दी ही आने वाला है 33,000 वैकेंसी, तो उसमें आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिएगा, उसमें आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही अपडेट आप लोग को देना था। तो ये तो रिजल्ट के साथ साथ एक और खुशखबरी की कम से कम आप लोग को कन्फर्म कर दिया गया यहाँ पे कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो आपका सिलेक्शन, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।